अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बंटी टीवी में हम आपको शामिल कहते हैं। फास्ट बॉलर हसन अली की अपनी मुमकिना अहलिया से मुतलिक कहाँ मुलाकात हुई है, रतन गेंद का शाहात जो उन्होंने खुद बताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फास्ट बॉलर की भारतीय लड़की शामिया आरजू ने वर्ल्ड कप के दौरान मुलाकात हुई थी। 20 अगस्त को निकाह कर रहे हैं, निकाह की तकरीर ये दुबई में होगी। भारतीय मीडिया का दावा, दोनों खानदानों में अभी इस रिश्ते के हवाले से बातचीत चल रही है, तहम अभी तक रिश्ता फाइनल नहीं हुआ, हसन अली ने तस्दीक कर दी। शोएब मलिक के बाद एक और पाकिस्तान क्रिकेटर भारत से दुल्हन लाने के लिए तैयार। एक भारतीय साहबी के दावे के मुताबिक फास्ट बॉलर हसन अली जल्द शादी करने वाले हैं और इनकी अहलिया का ताल्लुक भारत से है। तफसीलात के मुताबिक एक भारतीय सहाफ़ी की जानिब से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली से मुतलिक तहलका खेज दावा किया गया है। सहाफ़ी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली एक भारतीय लड़की शामिया आरजू के साथ 20 अगस्त को निकाह कर रहे हैं। निकाह की ये तकरीब दुबई में होगी। इनकी होने वाली दुल्हन का ताल्लुक भारतीय रियासत हरियाणा से है और वो अमृतसर एयरलाइन में इंजीनियर हैं। वालदैन के साथ दुबई में मुकीम हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों की मुलाकात वर्ल्ड कप 2019 के दरमियान में हुई थी, जहां वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को पसंद आ गई। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर हसन अली ने तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों खानदानों में अभी रिश्ते की बात चल रही है, तहम अभी तक रिश्ता फाइनल नहीं हुआ। वाजह रहे कि अगर फास्ट बॉलर हसन अली भी भारतीय लड़की को अपनी अहलिया बनाते हैं तो ये मौका नहीं होगा जब किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत से दुल्हन लाई हुई होगी। इससे कबल कौमी टीम के ऑलराउंडर शोएब मलिक, अजीम बल्लेबाज ज़हीर अब्बास और मोहसिन हसन खान भी भारतीय खवातीन से शादी कर चुके हैं। अगर हसन अली भी भारत की किसी लड़की से शादी करने का फैसला करते हैं तो फिर वो भी शोएब मलिक, अजीम बल्लेबाज ज़हीर अब्बास और मोहसिन हसन खान के क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।